अस्सलाम वालेकुम लो जी, मैं जैसा कि मैंने पहले वीडियो पोस्ट की थी कि मैं पसरूर आ गया हूँ, तो मैं अपने काम पे देखे लग चुका हूँ। ये भले निकल रहे हैं, ये भले हैं, ये बल्लों का बैटर पड़ा है। इंशाल्लाह दुआ कीजिए कि मैं जल्द से जल्द अपना न्यू मोबाइल लूँ, तो फिर आपको मैं नई से नई वीडियो दूँगा। ठीक है, तो बल्लों की मैं प्रॉपर वीडियो आपको दूँगा, जैसे बनते हैं मैटर, इसका बैटर, सॉरी बैटर के बारे में बताऊँगा, सारी आपको मैं मालूमात इसकी दूँगा इंशाल्लाह। बस थोड़े से दिन कवर कर लें तो मोबाइल मैं चेंज करता हूँ। इस मोबाइल का बैक कैमरा नहीं सही, इसलिए मैं ये वीडियो बैक पे नहीं बनाता, फ्रंट पे बनाता हूँ। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे मोबाइल दे दे सही वाला, तो फिर मैं वीडियो अच्छी से अच्छी और ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कर लूँगा। अभी भी मैंने पोस्ट की है काफ़ी सारी। ये जी, ये बल्ले फ्राई हो चुके हैं, अभी थोड़ी देर तक मैंने ऊपर रखने, फिर इन्हें मैंने निकाल कर बाहर रख देना है, क्योंकि ये बल्ले फ्राई हो चुके हैं। ये है बैटर, तो अभी मैं बल्ले निकाल लूँ। लो जी, अब मैं भल्ले डालने लगा हूँ। ये जैसा कि एक तिक्को वाली सीख होती है, तो ये आइसक्रीम वाला चम्मच है, इसके साथ मैंने ये देखे डाल लो। माशाल्लाह बहुत प्यारे निकलते हैं जी, घर में ज़रूर विज़िट कीजिए इसका। ठीक है, इसमें हम दाल माश डालते हैं, दाल माश और बेसन होता है और नमक होता है, नमक हसबा का डालना है। तो इसमें हम डालते हैं जी, हमारा तो 1 किलो बेसन होता है, आधा किलो दाल माश है। आपने अगर अपने घर के लिए बनाने हैं तो 100 ग्राम दाल माश ले लीजिए, तो आधा पाव बेसन आपके लिए काफ़ी है। पाव बेसन लेंगे तो आप इस पर ज़रूर विज़िट कीजिए। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो दाल है ना, दाल आप, मैं तो वो दोरी डंडे में चटुवटा जो था ना, उसमें ऐसे रगड़ते हैं जैसे फूलने के लिए, मैं तो उसके ऊपर करता हूँ। पर आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, घर में मिले शेक वाली ग्राइंडर होती है, ठीक है, जूसर ग्राइंडर, आप उसमें ग्राइंड कर लीजिएगा, तो बहुत इजीली आपसे ग्राइंड हो जाएगी, दाल ग्राइंड होगी। उसके बाद आपने इसे बेसन में डाल के थोड़े से पानी के साथ मेल्ट कर लेना है, ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, ज़्यादा टाइट नहीं करना है बेसन को। ठीक है, ऐसे रखना है कि देखिए चम्मच से बेसन उतर जाए नीचे। आपको मसला मसलना हो तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखिए जी। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये शान आ गया, अब आपको पता चल गया होगा मैं पसरूर आ चुका हूँ। शान मैं किथे नहीं हूँ, किथे इतने की ना है ना कि दुकान शेख कहता जी, शेख की दुकान पे आ गया हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद का, तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कीजिए, मुझे जल्द दीजिए। अल्लाह हाफिज़।